सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। बिग बॉस में रणवीर शौर्य की हालत देखकर कुछ गलत मत समझना। जी हाँ, 22 साल में इतने करोड़ की दौलत कमा चुके हैं रणवीर। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इंट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौर्य इन दिनों रियलिटी शो बिग बॉस OTT सीजन 3 में नजर आ रहे हैं। उनके फैंस उन्हें पसंद कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो टॉप 5 में शामिल हो पाएंगे। इसी बीच रणवीर की नेटवर्थ की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि वो पूरे शो के दौरान एकदम साधारण से कपड़ों में नजर आ रहे हैं और वीकेंड पर उनके लिए कोई डिजाइनर कपड़े भी नहीं भेजता। ऐसे में हाल ही में शहनाज गिल ने उनके लिए डिजाइनर कोट पैंट भिजवाए। ऐसे में चर्चाएं हो रही हैं कि क्या उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन ये सच बिल्कुल भी नहीं है। दिखने में भले ही वो कैसे भी लग रहे हों, लेकिन 22 साल पहले बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले रणवीर करोड़ों की दौलत के मालिक हैं। 18 अगस्त 1972 को जालंधर पंजाब में जन्मे रणवीर के पिता कृष्णदेव शौर्य बॉलीवुड फिल्मों के प्रोड्यूसर थे। उनके भाई का नाम लोकेश है। रणवीर ने एक्टर और डायरेक्टर रजत कपूर और विनय पाठक के करीबी दोस्त भी हैं रणवीर। इसके अलावा आपको ये बताना चाहेंगे कि रणवीर शौर्य जो है काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहे हैं पूजा भट्ट के साथ डेटिंग को लेकर। उन्होंने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड कोंकणा सेन शर्मा से 3 सितंबर 2010 को शादी की थी, पूजा भट्ट को डेट किया था। वहीं कोंकणा से शादी के बाद एक उनको एक बेटा है जिनका नाम हारून है। रणवीर और कोंकणा शादी के 5 साल बाद अलग हुए, लेकिन वो मिलकर बच्चे की देखभाल करते हैं। रणवीर ने दोस्त विनय पाठक के साथ करियर की शुरुआत की थी। वो टॉक शो रणवीर विनय और कौन और द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो होस्ट करते थे। फिर रणवीर ने मनीषा कोइराला के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी से डेब्यू किया। वो जिसमें भी थे पर उनका छोटा सा रोल था। वो मेहनत करते गए और साल 2006 में खोसला का घोसला से उन्हें पहचान मिली। अब तक हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, आजा नचले, अगली और पगली, सिंग इज किंग, मिथ्या जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। रणवीर ने साल 2014 में झलक दिखलाजा सीजन 7 को होस्ट किया था। साल 2018 में स्वरा भास्कर के साथ शॉर्ट मूवी में काम कर चुके हैं। साथ ही साल 2019 में उन्होंने सोन चिरैया भी की थी। उनकी हालिया मूवी एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर की कुल नेटवर्थ करीब 37.75 करोड़ रुपए है। रणवीर ने बिग बॉस OTT सीजन 3 के पहले दिन होस्ट अनिल कपूर को बताया था कि उन्हें काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो ये शो कर रहे हैं। जी हाँ, नेटवर्थ है करीब 38 करोड़ के आसपास। तो रणवीर को अगर आप समझ रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल ज़्यादा गरीब हैं या क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो आप डिट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।